Hello guys, welcome to our channel. Hello friends, welcome back to the Car Director channel. आज हम बात करेंगे माइक्रो वैन के बारे में. मारुति सुजुकी एको फर्स्ट जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है BS6 कंप्लायंट सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ. यहाँ मिलते हैं आपको दो फ्यूल ऑप्शंस, पेट्रोल एंड CNG, जो मिलता है आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही. यहाँ मिलेंगे आपको टोटल 4 वर्जन, शुरू होता है 4,30,000 रुपए से लेके 5,60,000 रुपए तक ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली. और जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं 7 सीटर स्टैंडर्ड मॉडल, जो पड़ेगा आपको ऑन रोड 4,63,000 रुपए का. 5 सीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको एको में. ACN CNG का ऑप्शन आपको सिर्फ 5 सीटर वेरिएंट के साथ ही मिलेगा. 7 सीटर वेरिएंट के साथ आपको सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल मिलता है जो आप सामने देख रहे हैं. यहाँ मिलती है आपको ब्लैक कलर की ग्रिल, बीच में मिलता है आपको सुजुकी का लोगो, और यहाँ मिल जाते हैं आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स हैलोजन बल्ब के साथ. इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको इस हेडलैम्प यूनिट में. फॉग लैम्प के लिए आपको प्रोविजन मिल जाएगा. ब्लैक बम्पर मिलता है आपको फ्रंट एंड रेयर सेक्शन में. कुछ ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल. सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलता है मैक्सियसन स्ट्रट, पीछे मिलेगा आपको 3-लिंक रिजिड एक्सेल का सस्पेंशन. फ्रंट 2 सीट्स के नीचे मिलता है आपको इसका इंजन सेटअप. रियर व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको मारुति सुजुकी एको में. और यहाँ मिल जाते हैं आपको दो वॉशर्स, दो वाइपर्स के साथ. कुछ ऐसी मिलती है आपको इसकी फ्रंट विंडशील्ड. ए पिलर पे मिलता है आपको एंटीना का प्रोविजन, यहाँ पे आप लगवा सकते हैं. और कुछ ऐसा दिखेगा इसका रूफ, रूफ पे आपको मिल जाता है डिजाइन. रूफ रैक आप एसेसरी में लगवा सकते हैं डीलर के थ्रू. और यहाँ मिल जाते हैं आपको सिल्वर स्टील व्हील्स हब कैप्स के साथ. यही सिल्वर स्टील व्हील्स मिलेंगे आपको हर वेरिएंट के साथ. टायर रेशियो मिलेगा आपको 155/13 का, ये इसका हब कैप. फ्रंट पे मिलती है आपको डिस्क ब्रेक्स, रियर में मिलेगी आपको ड्रम ब्रेक्स. और यहाँ मिलता है आपको इसका टर्न इंडिकेटर फेंडर पे. ब्लैक आउटसाइड डोर हैंडल मिलते हैं आपको लाइक ब्लैक बम्पर्स. और यहाँ मिल जाते हैं आपको स्टाइलिश टैकल्स एको के हर वेरिएंट के साथ, जो आपको साइड डोर्स पे भी देखने को मिल रहे हैं. और इधर से भरवा सकते हैं आप पेट्रोल, चाबी से ही आप खोल सकते हैं. बैक विंडोज मिलती है आपको मारुति सुजुकी एको में. और कुछ ऐसी दिखती है इसकी रियर प्रोफाइल. टोटल 2 ईयर्स या 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको मारुति सुजुकी एको में. आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 4 और 5 ईयर्स. ब्लैक रियर बम्पर मिलता है आपको लाइक फ्रंट बम्पर. रियर बम्पर में मिलते हैं आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो है स्टैंडर्ड फीचर. कुछ ऐसे दिखती है इसकी प्रोफाइल. हैलोजन बल्ब में मिलते हैं आपको इसके टेल लाइट्स. इन टेल लाइट्स पे मिलता है आपको रिफ्लेक्टर का फीचर. और ये एको का डेकल, बैजिंग का फीचर नहीं मिलता आपको एको गाड़ी में. टेल गेट अपटेक मिलेगी आपको ब्लैक कलर में. और इसके ऊपर मिलता है आपको सुजुकी का लोगो. वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलती आपको. और ये इसके दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये है 7 सीटर वेरिएंट. और उसके नीचे मिल जाता है आपको एग्जॉस्ट पाइप लेफ्ट हैंड साइड पे. 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको मारुति सुजुकी एको गाड़ी में. और यहाँ मिलता है आपको इसका स्पेयर टायर सेम टायर रेशियो के साथ स्टील व्हील में. और यहाँ मिल जाएगा आपको इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप. रियर डिफॉगर या वाइपर वॉशर का फीचर नहीं मिलता आपको एको गाड़ी में. कुछ ऐसा डिजाइन एलिमेंट मिलता है आपको मारुति सुजुकी एको में. साइड इंपैक्ट बीम्स का फीचर मिलता है आपको इधर. और इधर मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन टेल गेट को खोलने के लिए. और इधर मिल जाएगा आपको 275 liters का बूट स्पेस 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ. अगर आप 5 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो उधर आपको मिलता है 540 liters का बूट स्पेस. फिक्स्ड इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं आपको तीनों रोज पे. मोल्डेड फ्लोर कारपेट का फीचर मिलता है आपको मारुति सुजुकी एको में. और कुछ ऐसा दिखेगा इसका बूट. आप सीट्स को फोल्ड डाउन नहीं कर सकते किसी भी सीट को, चाहे आप 5 सीटर वेरिएंट ले या 7 सीटर. आप देख सकते हैं, आइए इसको बंद कर देते हैं. आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं. स्लाइडिंग डोर का फीचर मिलता है आपको. कुछ इस तरीके से आप इस डोर को खोल पाएंगे. और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर. ये है 7 सीटर वेरिएंट. विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको ड्यूअल टोन में ब्लैक एंड बेज कलर. कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी आपको सीट्स पे. सीट कवर्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं डीलर के थ्रू या बाहर से. मोल्डेड रूफ लाइनिंग का फीचर मिलता है आपको इधर. कुछ ऐसा दिखेगा इसका कैबिन लुक 7 सीटर वेरिएंट का. यहाँ मिल जाता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों रियर डोर्स पे. आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं. स्लाइडिंग डोर और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर थर्ड रो की सीट से. और कुछ इतना स्पेस मिल जाता है आपको. इन सीट्स को आप रिक्लाइन या स्लाइड नहीं कर सकते. फिक्स विंडो मिलती है आपको थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए. फिक्स कैब हैंडल, सारी सीट्स आपको फिक्स्ड मिलती है ड्राइवर सीट को छोड़ के. और यहाँ मिल जाता है आपको एक रीडिंग लाइट का फीचर हैलोजन बल्ब में. टोटल 5 कैब हैंडल्स मिलते हैं आपको ड्राइवर सीट को छोड़ के. बिग साइज विंडोज मिलती हैं आपको हर रो में. और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन. आइए सेकंड रो में चलते हैं. और कुछ इतना स्पेस मिल जाता है आपको सेकंड रो में. यहाँ मिलता है गाड़ी का चेसी नंबर, बैक एंड साइड डोर हैंडल. और कुछ इस तरीके से आप स्लाइड डोर को खोल पाएंगे. मैनुअल विंडो मिलती है आपको. विंडोज़ पे भी आपको चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है सेकंड रो की सीट्स के लिए. पावर विंडोज़ की एसेसरी नहीं लगवा सकते आप रियर सेक्शन में. और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से. ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम मिलता है आपको ब्लैक एंड बेज कलर. 3-spoke पावर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा. और यहाँ पे मिल जाता है आपको कॉइन रखने के लिए स्पेस.
बैक पॉकेट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको 7 सीटर वेरिएंट में, वो मिलता है आपको 5 सीटर एसी या सीएनजी वेरिएंट के साथ। यहाँ मिलता है आपको लॉकिंग मैकेनिज्म, जब आप स्लाइडिंग डोर को खोलेंगे तो ये लॉक हो जाता है, आप देख सकते हैं अब ये स्लाइड नहीं होएगा। इस लॉक को खोलने के लिए आपको हैंडल को पुल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तभी आप स्लाइडिंग डोर को बंद कर पाएंगे। सेफ्टी फीचर, आइए इसका फ्रंट पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। फ्रंट मैप पॉकेट का फीचर नहीं मिलता आपको फ्रंट टू डोर्स पे, कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर। फ्रंट पैसेंजर साइड से 4 वेंट्स मिल जाते हैं आपको फ्रंट डैशबोर्ड पे। व्हील बेस की बात करें तो 2350 mm का व्हील बेस मिलता है आपको मारुति सुजुकी इको में, और कुछ ऐसा दिखेगा इसका कैबिन लुक 7 सीटर वेरिएंट का। 5 सीटर वेरिएंट का आप रिव्यू देख सकते हैं ऊपर आई बटन से, और कुछ ऐसा दिखता है इसका साइड प्रोफाइल लुक। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको 3675 mm की, वेट है 1475, हाइट है 1825 एंड व्हील बेस है 2350 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 160 mm का। टर्निंग रेडियस है 4.5 मीटर्स। कर्व वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट, ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं इसका कर्व वेट है 940 किलो का। सेफ्टी फीचर्स में मिलेंगे आपको ड्राइवर एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट फॉर ऑल 7 सीट्स, साइड इम्पैक्ट बीम्स, चाइल्ड लॉक फॉर स्लाइडिंग डोर्स एंड रियर विंडोज, हेडलैम्प ऑन एंड लो फ्यूल वार्निंग, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एंड रियर ड्रम ब्रेक्स, ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको मारुति सुजुकी इको 7 सीटर वेरिएंट में। और ये हैं इसके लो बीम हेडलैम्प्स और ये हाई बीम हेडलैम्प्स विद टर्न इंडिकेटर। हैलोजन बल्ब में मिलते हैं आपको, फॉग लैंप आप एसेसरी में लगवा सकते हैं, कुछ ऐसे दिखेगी फ्रंट प्रोफाइल। हेडलैम्प यूनिट को ऑन करने के बाद विद टर्न इंडिकेटर, 2010 में लॉन्च हुई थी सबसे पहले मारुति सुजुकी इको, और इसने रिप्लेस किया था मारुति सुजुकी वर्सा गाड़ी को। मानेसर हरियाणा इंडिया में इसकी असेंबली होती है, और इधर मिलेंगे आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन, सॉलिड व्हाइट कलर आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा मटालिक सिल्की सिल्वर, मटालिक ब्लस्टिंग ग्रे, सेरेडियन ब्लू एंड पर्ल मिडनाइट ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन, और कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी टेल लाइट्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। FMR लेआउट पे बनी है मारुति सुजुकी इको, फ्रंट इंजन एंड रियर व्हील ड्राइव लेआउट मिलते हैं आपको इधर। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। ब्लैक कलर की डोर पैडिंग मिलती है आपको, कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर, मैनुअल विंडो, ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, ऊपर मिलता है आपको लॉक अनलॉक बटन, कुछ ऐसा कैबिन लुक मिलेगा आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मारुति सुजुकी इको गाड़ी का, और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से। और यहाँ पे मिलती है आपको 2 स्टैंडर्ड कीज, सेंट्रल लॉकिंग का फीचर नहीं मिलता आपको इको गाड़ी में, आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको हेडलैम्प बीम एडजस्टर नॉब, ये इसका एयर वेंट। यहाँ मिलता है आपको स्पीकर के लिए प्रोविजन डैशबोर्ड के ऊपर। एसी का फीचर मिलता है आपको 5 सीटर वेरिएंट के साथ ही, इसकी पैडल पोजिशनिंग, और यहाँ से खोल सकते हैं आप बोनेट। फ्रंट टू सीट्स पे मिलता है आपको रेक्लाइन का फीचर एंड ड्राइवर सीट पे आपको स्लाइडिंग का फीचर मिलता है, फ्रंट पैसेंजर सीट पे नहीं मिलता। विनाइल सीट अपहोस्ट्री मिलती है आपको ड्यूअल टोन में, आप देख सकते हैं क्वालिटी। आई गाड़ी के अंदर चलते हैं, और कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से। 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको, ड्राइवर एयरबैग की बैजिंग, और इसका हॉर्न सिंगल हॉर्न मिलता है आपको इधर। और यहाँ मिल जाएगा आपको हज़ार लाइट का बटन। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता आपको इको मॉडल में। और यहाँ मिलेंगे आपको लाइट और इंडिकेटर कंट्रोल्स राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है वाइपर एंड वॉशर के विद 2 स्पीड्स। और यहाँ मिल जाता है आपको हीटर का फीचर, एसी का फीचर मिलता है आपको 5 सीटर वेरिएंट के साथ ही, 7 सीटर के साथ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको स्टोरेज स्पेस पैसेंजर साइड पे, ये इसका ग्लव बॉक्स, कुछ इतना स्पेस मिल जाएगा आपको इधर। एंड पैसेंजर साइड पे भी स्पीकर का प्रोविजन मिलेगा, और इसका पैसेंजर साइड सनवाइजर, यहाँ पे कोई भी फीचर नहीं है। रीडिंग लाइट, हैलोजन बल्ब में, IRVM आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता, और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, यहाँ पे आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता। आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। टाकोमीटर का फीचर नहीं मिलता आपको एको गाड़ी में, बीच में मिलता है आपको स्पीडोमीटर एंड राइट हैंड साइड पे MID, और उसके नीचे मिलता है आपको एक नॉब, उधर से आप एक्सेस कर पाएंगे डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को। डिजिटल फ्यूल गॉज भी देखने को मिल रहा है इस MID पे। टेम्परेचर मीटर का फीचर नहीं मिलता आपको एको गाड़ी में, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है आपको वार्निंग साइंस, इसकी ब्लोअर स्पीड। एयर वेंच मिलते हैं आपको सिर्फ, एसी का फीचर मिलता है आपको सिर्फ 5 सीटर के साथ। और यहाँ मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, 2 DIN या 1 DIN म्यूजिक सिस्टम आप लगवा सकते हैं एसेसरी के तौर पे। यहाँ पे मिल जाती है आपको स्पेस, और इधर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी एक बॉटल होल्डर के साथ, और उसके साथ स्पेस है वॉलेट रखने के लिए। यहाँ मिलता है आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलेगी आपको, और इसकी हैंड ब्रेक ब्लैक फिनिश के साथ। ORVMs को आप मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते, लेफ्ट एंड राइट पे ORVMs मिलते हैं आपको ब्लैक कलर में। और अंडर सीट्स मिलता है आपको इसका इंजन, दोनों फ्रंट सीट्स को आप खोल सकते हैं कुछ इस तरीके से। टोटल 4 हुक्स मिलते हैं आपको, और यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर G12 BBS6 पेट्रोल इंजन एको गाड़ी में,
पेट्रोल मोड में प्रोड्यूस करेगा 72 bhp की पावर 98 nm टॉर्क के साथ। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं 5 सीटर के साथ, उधर पावर मिलेगी आपको 62 bhp की 85 nm टॉर्क के साथ। पेट्रोल में माइलेज मिलेगी आपको 16.11 किलोमीटर पर लीटर की, एंड सीएनजी में मिलेगी आपको 20.88 किलोमीटर पर kg की माइलेज। और दोनों ही मिलेंगे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। और लाइकवाइज आप पैसेंजर सीट को भी ऐसे खोल सकते हैं। इधर मिलती है आपको इसकी बैटरी, रियर व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको एको गाड़ी में, कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन बे। आइए इसका इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। ये थी इसकी इंजन साउंड। और इस तरीके से आप इस हुक को बंद कर सकते हैं, जो मिलते हैं आपको टोटल 4 दोनों सीट्स पे। और यहाँ मिलती है आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। पेट्रोल में एंड सीएनजी में मिलेगी आपको 65 लीटर्स की, जो अवेलेबल है 5 सीटर वेरिएंट के साथ। इधर से खोल सकते हैं आप बोनेट, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको जैक, कुछ स्पेस मिल जाती है आपको इधर। और ये इसका ब्रेक फ्लूइड यहाँ से आप डाल सकते हैं, और यहाँ से डाल सकते हैं आप इसका कूलेंट। FMR लेआउट मिलता है आपको एको गाड़ी में, और यहाँ से डलवा सकते हैं आप इसका इंजन ऑयल। एंड एको का कमर्शियल वर्जन भी आता है टूर वी के नाम से, वो यूज़ होती है कमर्शियली। उधर टॉप स्पीड मिलती है आपको 80 किलोमीटर पर आर की। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी एको, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए